हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है ना, वो हेड एंड नेक के क्लिनिकल हैं। बहुत इजी इजी वे में मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल, आपको भी कंपाइल फॉर्म में पीडीएफ दे रहा हूँ, जिसे चाहिए वो मुझे बता देगा। ठीक है, स्कल के जो है ना, इसके अंदर से अलग अलग किए गए हैं क्लिनिकल फ्रैक्चर ऑफ द टेरियन हो गया, मेलेडाइगोटिक, लेफ्ट फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला, देन मैंडिबल इफ गॉट फ्रैक्चर्ड एंड इंटीरियर क्रैनियल फोसा, काज इंसोम्निया, एपिस्टैक्सिस, ब्लैक आई, एक्सोपथैल्मस, सीएफएस लीकेज फ्रॉम द नोज, फ्रैक्चर ऑफ द मिडिल क्रैनियल फोसा एंड देन फ्रैक्चर ऑफ द क्लेव एरिया। इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हमारे पास कैपिट्स स्कैंडियम है, उसके बाद हमारे पास ट्राईपॉड फ्रैक्चर आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास फेस और स्काल्प के ऊपर आ जाता है ट्राईजेमिनल न्यूरोमलिया, एंड देन हमारे पास हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन, ट्राइजेमिनल नर्व लेयर हो गया, देन सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, ठीक है, आफ्टर ट्राइजेमिनल नर्व, और फेस हैज नो डी फेशिया, डैमेज टू फेशियल नर्व प्रोक्सिमल टू द ओरिजिनल ऑफ ग्रेट पैटी ऑफ द लॉस ऑफ द मोटर टेस्ट एंड ऑटोनोमिक फंक्शन, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड फेशियल आर्टरी में बी यूज फॉर टेकिंग पल्स, स्कार्प लेसरेशन, ब्लीडिंग ब्लीड परफ्यूजली एंड रिक्वायर सर्जिकल केयर। नेक्स्ट है, इफ इन इंफ्रा न्यूक्लियर लेयन ऑफ द फेशियल नर्व नोन एज बेल्स पाल्सी, द होल ऑफ द फेस ऑफ द सेम साइड गेट पैरालाइज्ड, द फेस बिकम एसिमेट्रिकल एंड ड्रॉन टू द नॉर्मल साइज, देन डेंजर एरिया ऑफ द फेस इज द ट्राइजेमिनल एरिया फ्रॉम अपर लिप टू द ब्रिज ऑफ द नोज ड्रेन इनटू द फेशियल वेन, पिंपल्स आर बॉयज एंड अदर स्किन इन्फेक्शन पार्टिकुलरली ऑन द साइड ऑफ नोज एंड अपर लिप मे स्प्रेड टू कैवर्नस वीनस साइनसिस वाया सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन एंड टेरागॉइड वीनस फ्लेक्सिस, फॉर ट्रीटिंग वाउंड ऑफ द अपर लिप एंड चीक इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इज ब्लॉक्ड। सही है, ये आप कर लीजिएगा। इसे डेंजरस एरिया ऑफ द स्कॉल्प एक जो ब्लू में किया हुआ, सेप्लो हेमाटोमा। नेक्स्ट हमारे पास टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल फोसा एंड टेम्पोमेंटिब्रल जॉइंट एंड पेरोटिड ग्लैंड, देन हमारे पास फ्राइज सिंड्रोम, मम्प्स जिसके अंदर पेरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, फिर मेनिंजीज हो गया, एंड देन हमारे पास आ जाता है टेंटोरियल हर्निएशन, देन आई ब्लो आउट फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है, स्टाई एंड हॉडोलियम हो गया, पेपिलोडीमा हो गया, फिर डिप्लोपिया आ जाता है, फिर हमारे पास स्ट्रैबिस्मस आ जाता है, क्रोकोडाइल टेयर सिंड्रोम आ जाती है, हॉर्नर सिंड्रोम, ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी आ जाती है। सही है, फिर हमारे पास ग्लाइकोमा आ जाता है, फिर नोज आ जाती है, नेजल पॉलिप्स आ जाती है, इंफ्लेमेटरी पॉलिप्स आ जाती है, फिर एपिस्टैक्सिस आ जाती है, एथमाइडल साइनोसाइटिस आ जाती हैं, ठीक है, ओरल रीजन है, सब लिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, गैग रिफ्लेक्स आ जाता है, टंग टाई आ जाता है, लेफ्ट लिप प्लेट आ जाती है, फिर एयर आ जाता है, ठीक है, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल गैस्ट्रिक म्यूटस आ जाता है, मेस्टोइडाइटिस आ जाता है, हाइपर एक्यूजियोसिस आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेनस डिजीज आ जाती है, नेक के अंदर फ्रंट प्रीट्रेकियल नेक इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक, नेक इन्फेक्शन आ जाता है, उसके बाद डेथ इन दी एग्जीक्यूशन हो गया, सिस्टर्मल पंक्चर आ जाता है, ठीक है, टॉर्टिकोलाइटिस आ जाती हैं, फिर हमारे पास ईगल सिंड्रोम आ जाता है, फिर हमारे पास सब ग्रेवेंस स्टीयर सिंड्रोम आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, बिल्कुल इजी थायराइडेक्टमी की जाती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास पैरोटिड एडिनोमा आ जाता है, ट्रेकियोस्टमी आ जाती है, एसोफेजियल फेरिंग्स एंड टॉन्सिल्स आ जाती हैं, लेरिंग्स में लेरेंजाइटिस होता है, प्यूबर्टी मेल में, एंड देन मैन्यूवर या डिस्चार्ज फॉर मटीरियल फ्रॉम लेरिंग्स, और ये सारे के सारे। बस ये थे जनाब इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो आपके साथ डिस्कस करने। होप सो यू लाइक द वीडियो, मतलब जिन्हें एक रात में क्लिनिकल करनी है सारे के सारे, वो उनके लिए ये वीडियो होपफुली कुछ ना कुछ बेटर वे में आपको हेल्प कर सकती है। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।
और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं यहाँ पे रोक के, ये इजी सी वीडियो जो है ना आपकी हेल्प कर देंगे। ओके एंड देन नोज, देन हमारे पास गैग रिफ्लेक्स, देन हमारे पास ये नेक, उसके बाद ये और ये फिर ये और देन ये फिर ये फिर ये और ये। थैंक यू।